लगातार ईडी और एजेंसी का शिकंजा कस रहा क्या कहिएगा। लाखों में भी आशंका व्यक्त की है, आपको बुलाया गया है। नहीं नहीं, ये तो आप जान ही रहे कि ये होना था, और ये कोई पहली बार आप लोगों को भी जानकारी मिली है, हमको मिली है, ये तो पहली बार है ना, पहली बार है ना अंतिम बार है। ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा जब तक चुनाव रहेगा। तो हम तो पहले ही बोल दिए थे भाई ये होना है। जो भी जांच एजेंसियां हैं सब लोग दबाव में काम कर रहे हैं। अब इस पर बार बार सफाई देना, बार बार इस पर कॉमेंट करने का कोई मतलब नहीं रह गया। अब तो यूज्ड टू हो ही ना गया है सारा एजेंसी, अपना काम छोड़ करके सारा पॉलिटिकल काम में लगना है, क्योंकि भाई एक तरह का अलायंस ही ना है एनडीए का। एनडीए में ज़्यादा पार्टियां तो है नहीं, मेजर पार्टियां तो है नहीं, तो मेजर पार्टी तो यही लोग हैं ना, तो इस पे क्या बोलना है। अमित शाह नरेंद्र मोदी सभी लग रहा है, लग रहा है इसी महीने सीए लागू हो जाए, सीए इसी महीने लागू होने की संभावना है। क्या आता है नहीं आता है, पूरा अंतिम जब तक ये हाउस में बिल नहीं पेश कर देंगे तो हो जाएगा, इस पे क्या कहा जा सकता है। कई बार होता है कि हर चीज जो है गुब्बारा जैसा छोड़ दिया जाता है, उसी पे सब बयानबाजी आने लगता है, लेकिन होता कुछ नहीं। तो ये चीजें आ जाने दी जाएगी। और इस मामले में तो आप लोग सब लोग को पता है कि हमारे पार्टी का क्या स्टैंड रहा। पहले भी पार्लियामेंट में इस चीज़ को लेकर के बात रखी गई थी, तो हमारे पार्टी ने स्पष्ट रूप से इस बात को किया था। अब चुनाव आएगा तो इस तरह के मुद्दे आएंगे, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, और तो मुद्दा है क्या। और हमको भी पूरा यकीन है कि तीन चीज़ों के अलावा आप लोग कुछ नहीं पूछिएगा। हिंदू मुसलमान के बारे में पूछिएगा कहीं ना कहीं से, दूसरा जांच एजेंसियों के बारे में पूछिएगा, और तीसरा जो है आप लोग जो है जो इस तरह की जो सवाले हैं, सीए एनआरसी तो हिंदू मुसलमान का हो ही गया, और ईडी एजेंसी का हो गया, और बाकी सारी चीज आप लोग इसी तरह की वर्चुअल मीटिंग है। सर वर्चुअल मीटिंग है, इंडिया अलायंस का वर्चुअल मीटिंग आज होना है आप लोग का। इंडिया अलायंस का वर्चुअल मीटिंग की जो बात आ रही है क्या आज होना है वर्चुअल मीटिंग आप लोग का। अभी सब लोगों से बात हुई है, डेट जो है सब लोग से बात करके वो तय करेंगे। बात होना है कि कुछ मीटिंग वगैरह किया जाए, और मीटिंग वीटिंग कब होगा कैसे होगा ये अभी क्लियर नहीं है। क्लियर होगा तो बिहार में बीजेपी के द्वारा मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी के लिए निमंत्रण मिल रहा है। आप उप मुख्यमंत्री हैं, अयोध्या में 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसके लिए निमंत्रण मिला है क्या। हम तो पहले ही कहे थे, आप लोगों का सवाल जांच एजेंसियां मंदिर मस्जिद और तीसरा जो है हिंदू मुसलमान, इसके अलावा और कोई आप लोगों का सवाल हो ही नहीं सकता। बिहार, अरे भाई हमारे घर में मंदिर है, हमारे घर में मंदिर। मोदी जी सर चुनाव आ रहे हैं, चुनावी साल है तो मोदी जी बड़ी रैलियां करने का निर्णय लिया है। हम लोग तो अभी तिरुपति बुलेटिन जो कराए हैं, बालाजी को हम लोगों ने दान किया है, ये बीजेपी ने 10 बड़ी रैली करी।